देश की राजधानी दिल्ली में कस्टम डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जाम्बिया के दो नागरिक हेरोइन की तस्करी के आरोप में दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए नागरिक जोहानिसबर्ग से यहां पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम को इन नागरिकों पर शक हुआ, जिसके चलते इनकी गहनता से जांच की गई। इतना ही नहीं, जाम्बिया से आए इन नागरिकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में पेट का एक्सरा कराने के लिए ले जाया गया, जिसके बाद उनके पेट में कैप्सूल नुमा कोई चीज होने की बात सामने आई। हालांकि उनके पेट से कुल 106 कैप्सूल बरामद किए गए, जिनमें 1.05 किलोग्राम हल्के पीला रंग का पदार्थ छिपा कर रखा गया था। वहीं पदार्थ की जांच होने पर इसमें हेरोइन होने की बात सामने आई। फिलहाल बरामद हेरोइन की कीमत करीब 7 करोड़ 36 लाख रुपए आंकी गई है।